Assalamualaikum. Welcome to Ittefaq Hospital Sehat Program. I am Brigadier Retired Professor Mona Zafar, working as a Head of Department Ittefaq Hospital. Ramzan ki aamad aamad hai, jaisa ki hum sabko pata hai, aur ye barkat mahina, har koi chahta hai iski barkaton ko smete. Pregnant ladies specially ye sawal poochti hain ki hum roza rakh sakte hain ki nahi rakh sakte. It is not a disease, it is a normal physiological phenomena. तो जिन में कोई हाई रिस्क फैक्टर ना हो तो वो बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। अब जब रोज़ा रखने का फैसला करना है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ कंडीशंस अगर आप में हैं, जो कि मैं बाद में वो मेंशन करूंगी, अगर वो हैं तो वो आपको मना कर देगा कि रोज़ा नहीं रखना। अदरवाइज रोज़ा रखना प्रेग्नेंट लेडी में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ आपको एहतियात करनी होगी, जिसमें कि आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, क्योंकि फास्टिंग पीरियड में प्रेग्नेंट औरत को पानी की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो उसमें ये है कि जब आप अफ्तारी करें तो ऐसी चीज़ें लें जिसमें कि पानी जो है वो ज़्यादा हो, जैसे कि लस्सी हो गई तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर वन, फ्लूइड्स का इस्तेमाल, जूस और पानी, इन चीज़ों का ज़्यादा करें। रोज़ा खोलने के वक्त शिकंजी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। सिमिलरली सहरी के वक्त हमें क्या लेना चाहिए, ऐसी चीज़ लें जैसे कि प्रोटीन, अंडा, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, ये स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है और आपको भूख की फीलिंग नहीं होती। और इसके अलावा होल ग्रेन मीट की चपाती, वो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो आप ले सकते हो, अनप्रोसेस्ड है। डबल रोटी और इन चीज़ों से अवॉइड करें। और इसके अलावा फ्रूट्स भी होने चाहिए, जिसमें खजूर बेस्ट है। आप 3-4 खजूरें साथ में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सारा दिन में आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंट रेस्ट करें, आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, क्योंकि आप में शुगर लेवल की कमी, पानी की कमी, वैसे नॉर्मल लोगों में मुश्किल हो जाता है एंड की तरफ रोज़ा, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने धूप में जाना अवॉइड करें, एक्सर्शन अवॉइड करें और सारा दिन जो है अपना रोज़ा इस तरह से करना है कि ओवर एक्सर्ट ना करें। अफ्तारी के वक़्त जो ऑप्शंस होएंगी उसमें ये है कि जब आपने पानी पीना है तो आपने पानी को वक्फे वक्फे से लेना है। एकदम फुल ग्लास जो है एकदम पीने की जरूरत नहीं, आप पिए मगर उसे वक्फे से पिए। फिर सेकेंडली फ्रूट्स की बड़ी इम्पॉर्टेंस है, फुल फ्रूट लें। जूस के साथ साथ फुल फ्रूट की बहुत इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन को वो एड्रेस करता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने फिर उसी तरह ही आपने मीट प्रोटीन लेना है इन द फॉर्म ऑफ मीट। डेली बदल बदल के मीट लें, जैसे किसी दिन मटन ले लिया, किसी दिन बीफ का कीमा ले लिया, किसी दिन चिकन, फिश, फिर साथ में सब्जियां, वेजिटेबल्स, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वो फाइबर्स हैं। इसके अलावा आपको सैलड्स लेनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। फिर आपने थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा सा ये 2-3 आवर्स के बाद, आप नट्स ले सकते हो। नट्स के साथ जो है दूध आप ले सकते हो, और रात को सोने के टाइम अगेन आप जो है दूध का एक ग्लास ले लें और रमज़ान की बरकतें समेटें।